गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आठवीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 23 तारीख के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। अपना नाम सबसे पहले और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब हम चलते हैं वर्कशीट पर। तो आपकी वर्कशीट जो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण जो भाग 2 है, भाग 1 इससे पहले आ चुका है तो भाग 2 है। अब इसमें हम इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या लक्षण हैं। जैसा कि पता है आपको, भारत का एक अपना लिखित संविधान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसके बहुत सारे और लक्षण, लेकिन इन्हीं लक्षणों में एक लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। ये भारतीय संविधान की बहुत प्रमुख ये विशेषता है, यह बहुत प्रमुख लक्षण है। तो संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, अब इसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन पद्धति क्या होती है इसको समझते हैं कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो अब देखिए, संसदीय शासन पद्धति मतलब एक संसद होती है और उस जो शासन होता है वो संसद के द्वारा, संसदीय शासन पद्धति के द्वारा चलता है। तो संसदीय शासन पद्धति का लक्षण ये है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, इसमें सबकी अपनी जवाबदेही होती है और जनता ही खुद अपने शासक को चुनती है। शासक का मतलब ये है कि जैसे जनता को, यहाँ पे देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार, आज़ादी से पहले सभी भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। आप बच्चों को पता नहीं होगा, आज़ादी से पहले केवल कुछ लोगों को मत देने का अधिकार था। उसको क्राइटेरिया क्या होती थी कि वो मतलब उस शिक्षा और संपत्ति, इसके आधार पे वोट, मतलब जो व्यक्ति सपोज के लिए जो ग्रेजुएट है और जो अमीर है तो उनको ही जो है क्या बोलते हैं कि वोट देने का अधिकार होता था, यानी बहुत सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। और जब सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार होगा यानी बाकी जो लोग हैं उनकी शासन पद्धति में भागीदारी नहीं होती थी। इसीलिए ब्रिटिश जो थे उनकी, ब्रिटिश शासन में भारतीयों की शासन पद्धति में बहुत कम भागीदारी होती थी, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, उन्हें अपने अच्छे बुरे का, अपने नेताओं को सपोर्ट किया, भारत में स्वराज्य आए, भारत में पंचायती राज आए, गांधी जी की जो संकल्पना थी समाजवाद, मतलब जो ऐसे लोग, ऐसी प्रणाली हो कि जो लोगों के ज़रूरतों को ध्यान दे, विकास पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, जो हमारे समाज में जाति धर्म को लेकर जो भेदभाव था, जो शोषण था, वो सब दूर हो। इसके लिए ही हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भारतीयों को वयस्क मताधिकार दिया जाए और एक लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को इसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो संसदीय शासन पद्धति का निर्माण हुआ, यानी संसद जो है संसद के माध्यम से ही शासन प्रणाली चलेगी। अब संसदीय शासन पद्धति की एक विशेषता होती है कि शक्तियों का बंटवारा इसमें होता है, यानी संविधान के ऊपर राज्य, यहाँ राज्य से मतलब स्टेट यूपी नहीं, यहाँ राज्य का मतलब है जो जो राज्य से पूरा स्टेट, यानी जो आप समझ सीजिए कि जो राज्य मतलब जो सरकार की शक्ति होती है, यानी जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, राज्य उसको माना जाता है। तो यहाँ में राज्य में यहाँ पे आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों राज्य हैं, यानी जो संसद है जहाँ से सारी क्रियाकलाप होते हैं, जो राज्य के अंग हैं संसद और न्यायालय, यही आपके राज्य के अंग हैं। तो संसदीय में क्या होता है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। अब इनके क्या काम है, विधायिका का काम क्या है, ये जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून निर्माण करते हैं। अब देखिए, संसदीय साधन पद्धति है, जैसे मान लीजिए आपकी लोकसभा, राज्यसभा है या आपके विधानसभा है, तो इसके जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा है तो इसके सदस्य कौन चुनता है, जनता चुनती है, विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो यही जो लोग हैं निर्वाचित प्रतिनिधि है, यही जाके कानून बनाते हैं देश के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समझ गए, ये होता है। कार्यपालिका,
यानी उसी विधायिका में से ही एक उसका अंग होता है, यानी जो मतलब संसद में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो शासन में होती है। तो वो जो ये कानून निर्माण होता है उसी के हिसाब से कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, समझे कि नहीं। अब जैसे संसद में, भारतीय संसद में, जैसे मान लीजिए राज्यसभा है तो उसमें 250 सीटें हैं और 542 मतलब जो चुने हुए होते हैं लोकसभा में और जो सीटें होती हैं तो इतनी हैं। लेकिन बहुमत जो है, जिस पार्टी का बहुमत होगा शासन तो वो करती है, लेकिन कानून निर्माण प्रक्रिया में सबका सहयोग होता है, यानी पक्ष विपक्ष सबका। जैसे कानून पे बहस होती है तो सब अपने सुझाव देते हैं तो वो उसका हिस्सा होता है। सपोज करो कोई कानून बन रहा है, विपक्ष ने सुझाव दिया और पक्ष ने उसका मान लिया, यानी विपक्ष का भी उसमें योगदान है। तो पूरी विधायिका यानी पूरी संसद मान लीजिए या राज्य की जो विधानमंडल है वो कानून बनाएगा, लेकिन जो सत्ता कार्यपालिका यानी जो सरकार होती है और सरकार के अंदर की जो नीचे की प्रणाली होती है, जैसे ऑफिसर्स हैं, IAS PCS हैं, वो कार्यपालिका के अंग हैं, तो वो उसको लागू करने का काम करते। जैसे पुलिस हो गई, अब सरकार ने कानून बना दिया अपराध के विरुद्ध तो उसको लागू कौन कराएगी? पुलिस, समझ गए। पंचायती राज कानून बन गया, मनरेगा बन गई, तो मनरेगा को लागू करने का काम किसका है? पंचायती राज विभाग का। तो उसमें जो अधिकारी हैं, उसमें जो कर्मचारी हैं वो करेंगे। तो ऐसे कृषि से रिलेटेड कानून तो यहाँ विधायिका ने बना दिया संसद ने, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू करेगी कार्यपालिका। अब क्या है कि अब है एक तीसरा जो राज्यकांग है, न्यायपालिका, यानी न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका का इसका कार्य है कानून की सही व्याख्या करना। आप देखिए न्यायपालिका का क्या काम क्या है कि शक्तियों का सबका बंटवारा है, इसका काम है ये विधायिका कानून बना देगी और कानून पर नए नए क्या सुधार होंगे वो निर्णय करेगी। कार्यपालिका का काम है कानून का सही तरीके से लागू करना। लेकिन न्यायपालिका का काम क्या है कि कानून की सही व्याख्या करना, यानी कि कानून सही बना है या कानून कहीं से अनैतिक तो नहीं है, लोगों के ऊपर कानून ऐसा तो नहीं बना लोगों को अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस कानून की व्याख्या करेगी, संविधान की व्याख्या करेगी। दूसरा ये है कि कार्यपालिका यानी कानून को लागू करने वाली ये जो तंत्र है, यानी ये जो कार्यपालिका है, ये भी अगर ये सही तरीके से कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, लोगों का यानी जनता के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो जनता की शिकायतों को सुनने का भी अधिकार इस पे है, ये उसकी व्याख्या करेगी। अगर संविधान में अधिकार दिया गया है कि लोगों को जैसे मनरेगा में कि 100 दिन का रोज़गार मिलेगा और 100 दिन का रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, सरकारें नहीं पहुंचा पा रही हैं या उसमें कुछ घोटाला हुआ है, तो केस बनेगा और उस केस को कौन सुनेगा? जांच होगी और सारा जब पुलिस सब कार्रवाई कर लेगी कार्यपालिका, तो सुनवाई कहाँ होगी? न्यायपालिका में। इसलिए देखिए कोई भी घोटाला, कोई भी केस होता, सुनवाई कहाँ होती? न्यायालय में। इसीलिए बना है। तो सबके अपने अपने कार्यों का विभाजन है और ये कार्यों का विभाजन इसलिए हुआ है कि अगर ये सारे कार्य एक ही संस्था के पास होते तो ये तानाशाह हो जाती। इसीलिए सबका सब पर अंकुश लगाने के लिए सारी संस्थाएं बनी पड़ी हैं। राज्य के किसी भी एक द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी, यानी सबकी अपनी शक्ति है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, इस तरह से तीनों अंगों का सत्ता संतुलन बना रहता है। तो ये संसदीय प्रणाली है, जो संसदीय शासन पद्धति है उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है और शक्तियों के जो शक्तियां हैं वो अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं, और ताकि कोई भी एक जो अंग है वो तानाशाह ना हो जाए, वो शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसलिए ये प्रणाली है। अब आगे देखिए क्या है, आपको मिलान करना है। अब देखिए क्या है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आय क्या है? 18 साल। जनता द्वारा चुने जाते हैं, कौन चुने जाते हैं? प्रतिनिधि। जनता कौन चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है। आज़ादी के लिए संघर्ष को क्या कहेंगे? स्वतंत्रता संघर्ष, यानी स्वतंत्रता आज़ादी। कानून बनाने वाली संस्था कौन करती है? अब देखिए कानून मतलब विधि, तो विधि को कौन बनाती है? विधायिका। कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका, यानी कार्य का पालन करना कानून के। और क्या करती है? न्यायपालिका का क्या काम है? कानून की सही व्याख्या करना। ये तो हमने मिला दिया। अब देखिए नीचे प्रश्न है, अब इन प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको बस हिंट दे दूंगा, आपको अपने हिसाब से उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर उत्तर भी लिख दूंगा तो सारे बच्चे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आप बच्चों को समझाने लायक बना देना, ताकि आप समझ के अपना खुद का उत्तर लिखो, यानी आप अपने ज्ञान का और अपनी समझ का विकास कर सको,
कॉपी पेस्ट से फिर आपकी समझ, आपकी लिखने की जो क्षमता है वो क्षमता नहीं विकसित हो पाएगी, तो फिर अध्ययन का और पढ़ने का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा और आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा। जैसे सार्वभौमिक मताधिकार से क्या समझते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। और इसमें क्या होता है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार मतलब लोगों का ये अधिकार है कि वो अपने देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक जो संसद के जो शासन के जो प्रतिनिधि हैं, उनका वो सीधा चुनाव कर सकें और वो प्रतिनिधि उनके प्रति जवाबदेह होता है। जैसे आपके यहाँ अभी सांसद है तो सांसद का चुनाव जो 18 साल से ऊपर के हैं उसके क्षेत्र के वो लोग करते हैं, और अगर ये सांसद सही कार्य नहीं कर रहा है तो इसकी जवाबदेही बनती है जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो वो इस दूसरे को बदल देंगे। यानी सार्वभौमिक मताधिकार है और मत देने का अधिकार इनका है, तो इनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो अपनी जहाँ से मत हैं लिए हैं उनके प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, क्या कार्य है, वो उनके प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। अगला, संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है कैसे। अब देखिए संसदीय शासन पद्धति में जो अंग है उनका चुनाव कौन करता है, वो करती है जनता। जनता सारी शक्तियाँ किसके अंदर होती है, जनता के, यानी मत देने की शक्ति है। ऐसा थोड़े नहीं कि राजतंत्र है कि राजा मर गया और उसका बेटा बन गया, नहीं। यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सारी शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, जनता के पास। जैसे जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, वही जाके क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और उन्हीं प्रतिनिधियों का एक ऐसा जो बहुमत की पार्टी होती है वो सरकार चलाती है जिसे कार्यपालिका बोलते हैं, और ये संसद के कानून के हिसाब से न्यायपालिका चलती है और इसकी भी जवाबदेही होती है, और ये अपनी जवाबदेही इसका मतलब लोगों का जो कानून है, कानून की व्याख्या करना और कानून के हिसाब से शासन हो रहा है नहीं हो रहा, अगर शिकायत मिल रही है तो उस पर निर्णय देना, ये न्यायपालिका का काम है। यानी सब मिला जुला के सारी शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। राजतंत्र होगा तो फिर राजा अपने हिसाब से अपना न्याय चयन नहीं कर लेगा, तो यहाँ पर सबकी जवाबदेही है, सबकी शक्तियाँ हैं, और ये मेन जो शक्ति है ये जनता के पास है। इसीलिए संसदीय शासन पद्धति को कहा जाता है कि इसकी जनता की शासन पद्धति है, क्योंकि जनता जब चाहे सरकार बदल देती है, अपने प्रतिनिधि बदल देती है, और फिर वो प्रतिनिधि आके अपने कानून उनके हिसाब से जो उनकी मांग होती है वो बनाते हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगला है, राज्य के मुख्य कौन अंग हैं और इनका महत्व क्या है। ये बहुत इजी है बच्चों, इसको हम नहीं बताएंगे, अभी आपको ऊपर बढ़ा दिया कि राज्य के कौन से अंग हैं, तीन अंग हैं, वो तीन अंग आप लिखिए, उनका क्या महत्व है वो उस लाइन में लिखा गया है। शक्तियों का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इजी है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब जो राज्य के जो अंग हैं, तीन अंग हैं, तो उनकी अपनी अपनी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, ताकि वो अपनी अपनी शक्तियों के जो उनको दिया गया उसके हिसाब से कार्य करें और जनता के कल्याण को, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करें, और एक दूसरे, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है इसलिए एक किसी एक अंग के पास सारी शक्तियां नहीं है, इसलिए वह उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता, और दुरुपयोग करेगा तो उन पर अंकुश लगाने के बाकी दूसरे अंग हैं। जैसे मान लीजिए नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, यानी वो कार्यपालिका के अंग हैं, तो उनके ऊपर जब जाँच आती है तो वो कौन करती है, न्यायपालिका। तो ऐसे ही न्यायपालिका से संबंधित जो कानून बनाना होता है वो कौन बनाती है, वो बनाती है विधायिका। तो एक दूसरे का, एक दूसरे पर निर्भर है, अंकुश लगता है। तो ये बच्चों आपकी आज की वीडियो है, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, क्योंकि हमने अच्छे से आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई और भी चीज़ें आपकी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे आपके उत्तर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी वर्कशीट को करिए और इसको पढ़िए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक, और भी जो लोग हैं जो आपके पास, जिनको पता, आपको लगता है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं पता हैं, शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, संसदीय शासन पद्धति क्या है, उन तक ये वीडियो साझा करिए, ताकि आप सब लोग ज्ञानवान हो सकें, और इस जो हम मतलब ये चैप्टर है इसमें जो अध्ययन करके जो आपको ज्ञान मिलेगा उसका लाभ उठा सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।